हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज है 5 जुलाई और जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं, उनके लिए भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे इंग्लिश वर्जन रीड कर लीजिएगा। साथ ही इंग्लिश की PDF भी आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। और देखिए, जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसे दबाकर जो घंटी बटन है इसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो साथ ही जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है अपने चैनल पे वो कंटिन्यू आपको मिलती रहे बिना मिस हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए उसकी अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन था लास्ट वीडियो क्विज का, IPE द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 जो यानी कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो देखिए, मैंने जो कमेंट देखे, मोस्टली जो इस क्विज के जो कमेंट थे स्टूडेंट्स के, दोस्तों के, सभी के मोस्टली जो कमेंट थे वो थे 137, यानी कि 80% लगभग दोस्तों के 137 इसका आंसर दिया था। देखिए, इसका आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जिस दिन ये रिपोर्ट जारी की गई थी, उस दिन के जितने भी मोस्टली जो न्यूज़पेपर थे, मोस्टली न्यूज़पेपर्स में जो रैंक बताई गई थी इंडिया की, वो बताई गई थी 137, मोस्टली न्यूज़पेपर चैनल वगैरह जिन पर भी, ठीक है। और उसी को देखते हुए मैंने भी इसकी रैंक आपको जो है उस दिन के वीडियो में 137 बताई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उस दिन से नेक्स्ट वाला, तो मैंने इसे अपडेट किया था 136 के अंदर, ठीक है, 136वां बताया था। देखिए, हुआ क्या था कि उसके बाद में जो मोस्टली इसका जो एक्यूरेट मतलब कि जो रैंक थी भारत की वो थी 136, आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑफिशियल अगर साइट देखते हो आपकी इसकी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 136वीं रैंक इंडिया को इसमें मिली थी। और जो लास्ट मतलब 2017 की अगर बात करते हैं, 2017 के लिए थी 137वीं रैंक, 2016 के मतलब 2018 के लिए है 136वीं और 2017 के लिए है 137वीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपडेट आप कर लीजिएगा। बात करते हैं आज की, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा बेदीन खलम का संबंध किस राज्य से है। तो आपका राइट आंसर होगा मेघालय से संबंधित है ये। देखिए, जो मेघालय का प्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव, जिसका भी रिसेंटली समापन किया गया है, ये 4 दिवसीय महोत्सव हर साल मेघालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मकसद है वो यही है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अच्छी फसल और पैदावार के लिए वहाँ के जो देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के देखिए, मेघालय की हमने बात की है, मेघालय के जो CM है अभी प्रेजेंट में वो है कॉनराड शर्मा, ठीक है, कॉनराड शर्मा यहाँ के मेघालय के CM है। और जो राज्यपाल है यहाँ के वो है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेमेंट्स काउंसलिंग ऑफ इंडिया PCI के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो जो PCI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं विश्वास पटेल। देखिए, विश्वास पटेल जो है PCI के नए नियुक्त किए गए हैं चेयरमैन। और ये PCI जो है भारतीय भुगतान परिषद, जिसका गठन किया गया था 2013 के अंदर, इसका गठन हुआ था PCI का। और इसका गठन का जो उद्देश्य है वो यही था कि जो डिजिटल भुगतान आयोग है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही इसको शुरू किया गया था PCI को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रही इंदिरा पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आंध्र प्रदेश से। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी रिवर है उसी से संबंधित ये अंतर्राज्यीय परियोजना थी। और इसका जो मतलब कि रिसेंटली जो NCST आयोग है, ठीक है, NCST आयोग, उसके द्वारा एक संपूर्ण रिपोर्ट इसकी जारी की गई है, जो मतलब कि रामनाथ कोविंद जी है उनको एक रिपोर्ट सौंपी गई है इसी से रिलेटेड। तो इसका यही बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन आपको देख लेना है, ये इंदिरा पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। देखिए, हाल ही में मिजोरम केंद्र सरकार व किस राज्य ने मिलकर मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल फॉर्म MBDPF से संबंधित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं त्रिपुरा के साथ। देखिए, त्रिपुरा प्लस जो मिजोरम है ये प्लस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन तीनों ने मिलकर अभी इसी से संबंधित ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। देखिए, ये MBDPF जो है मिजोरम से रिलेटेड है, मिजोरम ब्रू जो समुदाय है, ब्रू जो जनजाति बोल सकते हो आप, उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे है। एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए शुरू से हम जान लेते हैं, 1997 की बात है, ठीक है, 1997 जो ब्रू समुदाय के लोग हैं उनमें से कुछ
समुदाय कुछ लोगों ने जो है जो मिजोरम के अंदर जो मतलब कि नेशनल पार्क वगैरह है वहाँ पे कुछ आतंकवादी हमले किए थे, ठीक है, और उसके बाद में ये हमले वगैरह करके ये पहुँच गए कहाँ पे, त्रिपुरा में। अस्थायी रूप से मतलब कि स्थानांतरित हो गए, त्रिपुरा में रहने लग गए वहाँ से निकल के। अब वहाँ से निकलने के बाद में मतलब कि 1997 से अब तक इनकी जो प्रजाति हो गई मतलब कि जो संख्या हो गई लगभग 32,000 लोग पीपल जो है हो गए इसके अंदर। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी क्या हुआ है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक यहाँ पे लक्ष्य मतलब कि एक कदम उठाया है कि जो ये इनकी जो ये मतलब कि संख्या है इसको टोटल सभी को जो है वापस से मिजोरम में पहुँचाने का टारगेट रखा है। मिजोरम में इनको शिफ्ट किया जाएगा वापस से और मिजोरम में इनको आवास वगैरह उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारत में काम करने के लिए लाइसेंस जारी किया है, तो ये किया है बैंक ऑफ चाइना को। देखिए, बैंक ऑफ चाइना से पहले ही यहाँ पे भारत में कुछ फॉरनर जो बैंक है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें यूके है उसकी लगभग जो है 100 ब्रांचें इसमें पहले से ही भारत में काम कर रही है। तो इसी के साथ देखिए, ये लाइसेंस जो आरबीआई ने जारी किया है चाइना को, बैंक ऑफ चाइना को, अब ये इजीली ब्रांचें अपनी भारत में खोल सकता है। देखिए, यहाँ पे हमने आरबीआई की बात की है तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो है मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो गवर्नर है वो अभी प्रेजेंट में उर्जित पटेल है, जो कि आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में ये चुने गए हैं। अगर यहाँ पे बैंक ऑफ चाइना की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चीन के अंदर, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, ठीक है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हाल ही में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए 735.53 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है, तो ये मंजूरी दी है जो यहाँ पे नाबार्ड बैंक है दोस्तों, इसी के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो बजट पास किया गया है वो किया गया है जो पश्चिम बंगाल की सिंचाई प्लस जो सौर ऊर्जा प्लस जो बाढ़ नियंत्रण सहित कुल 86 परियोजनाएं हैं इसके तहत जो पश्चिम बंगाल की, उसी के लिए ये नाबार्ड ने ये बजट पेश किया है। देखिए, यहाँ पे नाबार्ड की हम बात कर रहे हैं तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये बैंक करता है जो कृषि एवं जो ग्रामीण विकास के लिए जितनी भी सहायता वगैरह जो है यही प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड बैंक। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1982 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल की हमने बात की है तो पश्चिम बंगाल की अभी प्रेजेंट में सीएम है ममता बनर्जी, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है केसरी नाथ त्रिपाठी, यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने 2 सेंचुरी फर्स्ट एंड सेकेंड नामक सेटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित सेटेलाइट है? तो देखिए, इसरो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा सेंचुरी फर्स्ट एंड सेंचुरी सेकंड नामक 2 सेटेलाइट है ये लॉन्च करने की घोषणा की है, और ये सेटेलाइट है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना। पे नहीं देखिए, यहाँ पे हमने बात इसरो की है तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है अभी वो है बेंगलोर के अंदर, और इसके जो अभी डायरेक्टर है वो है के सिवन, इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये बैठक संपन्न हुई है शिमला के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, वहीं पे इसकी अभी रिसेंटली आयोजन किया गया है। इसका जो मतलब कि प्रतिनिधित्व किया था वो किया गया था आर के सिंह, जो कि ऊर्जा मंत्री है, इनके द्वारा इसका अध्यक्षता की गई थी। फिर देखिए, यहाँ पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो ये कहा है दिल्ली के लिए। देखिए, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में आती है, यूटी के अंदर आती है, और अभी रिसेंटली जो वहाँ के जो सीएम वगैरह हैं अरविंद केजरीवाल वगैरह, उन्होंने मांग की थी कि इसको जो है पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया जाए, तो सीएम ने ये मांग जो है खारिज कर दी है, जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है उसने ये मांग को खारिज कर दिया है। देखिए, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है यूटी की, तो टोटल इंडिया के अंदर जो है 7 यूटी हैं, ठीक है, जिसके अंदर देखिए अंडमान निकोबार आता है, दादर नगर हवेली होती है, चंडीगढ़ इसके अंदर आता है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, और ये दिल्ली शामिल है, ऐसे मिला के टोटल 7 यूटी है यहाँ के इसके अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते, देखिए हाल ही में भारत द्वारा एशियन गेम 2018 में भाग लेने वाले 524 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो एशियन गेम जो आयोजित किया जा रहा है वो किया जा रहा है जकार्ता में। जकार्ता जो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया की कैपिटल भी है जकार्ता, वहीं पे ये शुरू होने वाले हैं 18 अगस्त से, जिसमें भारतीय प्लेयरों की जो सूची है वो जारी कर दी है इंडिया के द्वारा, और इसमें टोटल 524 जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं सदस्य इस गेम्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये 8 अगस्त से और 2 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, ये भी देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये की है जो यहाँ पे गोवा गवर्नमेंट है, इसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फिर देखिए यहाँ पे, हाल ही में आईसीसी ने बॉल टैपरिंग के दोषी को कितने टेस्ट मैच खेलने को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो देखिए जो आईसीसी है, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया है, अभी रिसेंटली जो बॉल टैपरिंग के, अगर कोई भी बॉल टैपरिंग का दोषी पाया जाता है, बॉल टैपरिंग का मतलब होता है बॉल से कोई छेड़छाड़ करता है उससे, मतलब कि ठीक है, उसको कैसे भी किसी भी तरीके से बॉल से छेड़छाड़ करता है, तो उसको जो है यहाँ पे 6 टेस्ट मैच जो है खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो 6 टेस्ट प्लस 12 वनडे, ठीक है, 6 टेस्ट प्लस 12 वनडे जो है उसे नहीं खेलने दिए जाएंगे, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया जाएगा उसको इसके लिए, अगर कोई ऐसा काम करता है बॉल टैपरिंग से रिलेटेड। फिर देखिए यहाँ पे, भारत और किस देश ने हाल ही में एक दूसरे की जेल में कैद नागरिकों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान और भारत ने, पाकिस्तान और भारत के बीच में ये सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे, जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में है। तो क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जून 2018 के मध्य 13वां भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सूर्य किरण, कहाँ आयोजन हुआ, मतलब कि कहाँ संपन्न हुआ ये? तो जो भी आपका राइट आंसर है इसमें से वो लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की करंट अफेयर, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्लस एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि ऐसी ही अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही।